तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक सिंपल सा क्लोथ को किस तरीके से हम सेट करते हैं, उसमें जो लाइट्स एंड शेडो होता है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, और जो फोल्ड्स होते हैं कपड़े में उसको हम किस तरीके से सेट करते हैं। तो यहाँ पर आप रेफरेंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पर देखोगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पर किस तरीके का फोल्ड है। तो आप देख लो कि किधर से किस तरीके का फोल्ड है। आपको रेफरेंस का इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का यही वाला जो है क्लोथ अगर आपको शेड करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो। ओके, तो रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद मैं मटेरियल और टूल्स की बात करता हूँ कि कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आउटलाइन की HB पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा शेडिंग करने के लिए, आउटलाइन के वगैरह के लिए भी। यहाँ पे सैंड पेपर का भी मैं यूज़ कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो रहने देंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है यहाँ पे, वो है मेकअप ब्रश। ये वाली मेकअप ब्रश अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है लोकल मार्केट से भी आपको मिल जाएगा। इसकी जो टेक्सचर है वो हल्की सी मीडियम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसकी जो हार्डनेस है वो मीडियम है। बट अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ये जो टूल है आपके पास ईयरबड्स, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे। और उसके बाद अगर कहीं पे हाईलाइट की ज़रूरत पड़ी तो हम मोनो ज़ीरो इरेज़र का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइन, और यहाँ पे मैं कंप्लीट मेज़रमेंट मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे देखो, एक्यूरेसी मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो ऑब्ज़र्व करके मैं यहाँ पे जो है आउटलाइन को मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पे भी समझ में आएगा कि इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। तो क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ करते टाइम आपको एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है प्रेशर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी फोल्ड को आप मार्क कर रहे हो कि यहाँ पे फोल्ड है, इस तरीके का फोल्ड है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर पे कम्प्लीटली कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो पेंसिल है उसको बहुत ही लाइटली होल्ड करना पड़ेगा और बहुत ही लाइटली वहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा पेपर पे, ताकि आगे उसको आपको इरेज करना है या फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब आप इसको ब्लेंड करोगे। तो वहाँ पे अगर लाइंस अगर आपने प्रेशर से ड्रॉ कर दिया तो वो वहाँ से इरेज होगा नहीं, वो अच्छे तरीके से मिक्स होगा नहीं, तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। ओके, तो ब्लेंडिंग हम स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं छोटा वाला जो मेकअप ब्रश था उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे किस तरीके का फोल्ड है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो शेडो होता है वो मैं दो तरीके के मान के चलता हूँ। एक होता है जिसकी शेडो की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपको शेडो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और एक दूसरा होता है जहाँ पे शेडो की जो इंटेंसिटी है वहाँ पे थोड़ा कम होता है, वहाँ पे हल्की फुल्की लाइट आ रही होती या फिर बहुत ही ज़्यादा शेडो नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का कमी होता है, तो वहाँ पे एक शेडो टाइप का बनता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ही इंटेंसिटी जो शेडो की है बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत ही कंट्रोल प्रेशर से ब्रश को अप्लाई करना है, और आप देखो किस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, लगातार यहाँ पे ब्रश को अप्लाई करते जाना है लाइट प्रेशर के साथ। ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना नहीं है, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वहाँ पे डार्क हो जाएगा वो एरिया, उतना ज़्यादा डार्क नहीं करना, रेफरेंस में आपको हल्का फुल्का डार्क करना है। और किस तरीके से करना, हमने डायरेक्शन दे दिया है, उसी डायरेक्शन में हम रेफरेंस को अच्छे तरीके से देख के देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा एरिया वाइट है, कहाँ पे शेडो है, कहाँ पे कितना ज़्यादा शेडो है, ठीक है।
तो गाइज़ यहाँ पे हमने बेस लेयर दे दिया है, फर्स्ट लेयर दे दिया, और यहाँ पे देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था। सिंपली मैंने एक ब्रश का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मुझे जिस तरीके का शेडो दिखा है वहाँ पे मैंने उस तरीके से ब्रश को अप्लाई कर दिया। प्रेशर पे कंट्रोल रखना, आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे, बाकी आप देख के समझ सकते हो। कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था, सिंपल सा प्रोसेस था। यहाँ तक हमने कर दिया है। थोड़ा सा देखो आपको पेशेंस के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे आपका काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा रिजल्ट आप चाहते हो, आपको प्रॉपर टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी लगे, जब तक आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आपको वहाँ पे काम करते रहना है। तो गाइस यहाँ पे देखो जो टी शर्ट का कलर है वो वाइट है, हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इस तरीके से हम ज़्यादा डार्क शेडिंग कर भी नहीं रहे, तो जो हमारा ड्राइंग है वो फ्लैट दिखेगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा टी शर्ट के आसपास, ताकि वो और भी ड्राइंग हमारा उभर के आए। यहाँ पे मैं मेथड जो है बैकग्राउंड को शेड करने का मेथड जो है वो क्रॉस हैचिंग में रख रहा हूँ, और इस तरीके से बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करके अपने ड्राइंग को उभार सकते हो ऐसे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट लेयर में, और यहाँ पे भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोल्ड जो था वहाँ पे शेडो पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल है। उसका बस सेंस यही है कि उसको इरेज नहीं शार्प नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी उसकी जो लीड होती है बहुत पतली होती है, तो अगर आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसको आप अपने अच्छे तरीके से शार्प कर दिया तो वो भी उसी का सेम यूजेज है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे शेडो है फर्स्ट लेयर में, जहाँ पे जितना डार्क देना था वहाँ नहीं हो पाया था, उसको मैं थोड़ा और डार्क करूँगा और मैं डिटेल में चीज़ें ऐड करूँगा, उसके बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगा। तो गाइस देखो यहाँ पे अब जो हमारा फोकस है वो छोटा एरिया है, ठीक है। अब छोटे एरिया को ब्लेंड करने के लिए ब्रश नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टाम्प का जो सबसे छोटा साइज़ का स्टाम्प था वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, कि चूँकि एरिया छोटा है, छोटे एरिया में ब्रश को या फिर ईयरबड्स को हैंडल करना ईजी नहीं होता है, हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, छोटे छोटे एरिया को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे जिससे हमारी ज़रूरत है। तो गाइस आगे का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब आपको करना क्या है, छोटे छोटे एरिया को कवर करना है, छोटे छोटे एरिया को टारगेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ छोटे से एरिया को मैं टारगेट करूँगा, रेफरेंस में देखूँगा कि कहाँ पे यहाँ और डिटेल में क्या ऐड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है, कहाँ पे शेड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे किस तरीके से लाइट आ रहा है। अच्छे तरीके से हम रेफरेंस को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे शेड करेंगे। प्रॉपर टाइम दोगे आपको हाईलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मोनो जीरो इरेजर की भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देके करोगे ना तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत कहीं छोटे छोटे एरियाज़ में डिटेल ऐड करना तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बाकी एरिया पे देखो हमारा जो टेक्सचर है ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है, थोड़ा और डिटेल में ऐड करेंगे।
तो बस गैस आज के वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से पार्ट में आपको अभी भी प्रॉब्लम है, आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, या फिर जो भी है आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। हर किसी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और कमेंट करते हुए मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।